हे एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोट्स। तो गाइज, आज के वीडियो में मैं एक बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कह सकते हो उसका आंसर देने वाली हूँ, ठीक है। तो आंसर वांसर बाद में देते रहेंगे, क्वेश्चन जो भी है वो सब बाद में देखेंगे। उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। क्या? चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, उसके बाद बेल आइकन होगा वो हिट कर देना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आते रहते हैं। लाइक वीक में 3 से 4 वीडियो तो आ ही जाता है, तो वो तुम्हें उससे काफ़ी कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो इसीलिए आराम से टर्न ऑन कर देना बेल आइकन। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं आए तो डिसलाइक करो, और जो भी तुम्हारा फीडबैक हो या जो भी तुम्हें कहने का मन करे आराम से कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। उसके अलावा मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि तुम्हें अगर लगेगा कि मैं कैसे डाउट क्लियर कर रही हूँ या कुछ, तो गाइज मैं जो भी तुम कमेंट में डालते हो मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। हाँ, बहुत बारी मैं रिप्लाई देती हूँ, बहुत बारी नहीं देती हूँ, वो डिपेंड करता है सिचुएशन, टाइम, मूड, बहुत सारी चीज़ों पे, जो भी हो। तो वो अलग टॉपिक है, उसमें नहीं जाते, ठीक है। तो जो भी तुम्हारे कमेंट्स होते हैं वो मैं पढ़ती हूँ, प्लस तुम्हारे DM जो इंस्टाग्राम पे होते हैं, तो अगर इधर उधर कहीं पे भी हैंडल दिख जाए विच इज़ ब्यूटी _with_कोट्स, ओके। तो अगर वैसा कुछ तुम्हें दिख जाए, जो दिख जाना चाहिए, ऊपर देख लो तो दिख जाना चाहिए, तो तुम आराम से वहाँ पे जा सकते हो और जा करके जल्दी से फॉलो कर लो। वहाँ पे जाके तुम DM कर सकते हो, क्योंकि मैं DMs भी चेक करती हूँ, ठीक है। रिप्लाई दूँ नहीं दूँ फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं चेक करती हूँ और कोशिश करती हूँ बाय नेक्स्ट वीक तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाए। अगर कुछ नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है तो वहीं पे आंसर दे देती हूँ, और अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत लोगों का क्वेश्चन हो सकता है या है, तो मैं उसके लिए एक वीडियो बना देती हूँ, ठीक है। तो वैसा कुछ होता है तुम आराम से उसमें भी डाल सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो बहुत सारे लोग जहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, ऐसा हाई मैसेज कर देंगे और अगर मैंने रिप्लाई नहीं दिया तो उसके बाद बहुत देर के बाद मैं देखती हूँ तो रिप्लाई आया रहता है कि आपने रिप्लाई नहीं किया, हाउ रूड और ये वो। तो देखो, मैं फुल टाइम यूट्यूबर तो हूँ नहीं, मेरे पास और भी काम होते हैं, राइट। तो मैं एकदम से फ्री तो नहीं रहती हूँ कि आपने हाई बोला मैं तुरंत हेलो बोलूँ, तुरंत उसके आगे मतलब ऐसा कॉन्वर्सेशन हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, राइट। और मेरे पास तो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो ऐसे कुछ पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए आपको ना हाई के रिप्लाई का या किसी चीज़ का कोई वेट नहीं करना है। आप आराम से आओ, सीधा अपना क्वेश्चन ड्रॉप करो और चले जाओ। थोड़ा सा रूड और मे बी प्रोफेशनल साउंड कर सकता है, बट इट्स ओके, वी आर प्रोफेशनल्स, राइट। तो प्रोफेशनल एटिकेट ऐसे ही होते हैं। अब हाउ आर यू, कैसे हो भाई, और बताओ क्या चल रहा है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आराम से आओ, अपना क्वेश्चन ड्रॉप करो और बस हो गया। क्वेश्चन अगर नहीं है, तुम्हें कुछ बताना है, लाइक अगर तुम प्लेस्ड हो गए हो या कुछ भी बोलना है, फीडबैक देना, तो सीधा आओ, वो दो और चले जाओ। मैं देखूंगी, जैसा जो होगा मैं रिस्पांस दूंगी, लेकिन रिस्पांस मैं ज़रूर दूंगी, इस चीज़ की गारंटी है। अगर तुम्हारा क्वेश्चन रेलिवेंट होगा तो मैं ज़रूर रिस्पांस दूंगी, ठीक है। तो आराम से बेफिक्र होकर जो मन में आए वो बोल सकते हो। खैर, अब बढ़ते आगे और क्वेश्चन पे आ जाते। तो क्वेश्चन इज़ कि मेरा, किसी ने ऐसा बोला था, मैं नाम याद नहीं रख पाती हूँ इतना, तो इसीलिए मैं सीधा क्वेश्चन बोल रही हूँ। तो किसी ने मेरे को मैसेज किया हुआ था कि मेरी जॉइनिंग जो हुई है एक्स कंपनी में, मैं कंपनी का भी नाम नहीं ले रही हूँ, ठीक है। तो एक्स कंपनी में मेरी जॉइनिंग हुई है अगस्त में, लेट से, ओके। तो अगस्त में हुई है और अभी तक मेरे को किसी प्रोजेक्ट से मैप नहीं किया गया है, मैप नहीं किया गया है, ओके। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या वो लोग मेरे को निकालने के प्लान में हैं, या फिर ऐसे मतलब 2-3 महीने में मेरे को वो लोग सीधा गेट आउट बोल देंगे, बाय बोल देंगे, या क्या रीज़न है कि मेरे को मैप नहीं किया गया है अभी तक किसी प्रोजेक्ट से? तो देखो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्योंकि आपने पूछा तो मेरा हक बनता है, राइट। तो क्वेश्चन इज़, आपने क्या गलती करी है, मतलब कुछ भी, किसी भी तरह का कुछ भी आपने करा है क्या? तो आई थिंक नहीं किया है, राइट। आपने अभी अभी 2 महीने पहले ज्वाइन करा है, आपने वैसा कुछ काम नहीं किया होगा। आई ट्रस्ट माई व्यूअर्स कि आप लोग इतने बुढ़े नहीं हो, कुछ वैसा काम नहीं किया होगा, राइट। तो आपने कुछ नहीं करा है तो फिर आपको क्यों निकालेंगे? मतलब ऐसे ही सेक्सी लग रहा था, ये सारी चीज़ें मूवी में होती है, ये सब रियल लाइफ में नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे ही सेक्सी लग रहा था वाली चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है, थीके? मतलब ऐसे नहीं निकालेंगे। कोई भी कंपनी आपको तभी थ्रो आउट करती हैं जब आपने कुछ किया होता है, किया एज इन अगर आप उसकी कोई पॉलिसी ब्रेक करते हो, लाइक सिक्योरिटी रीजंस वगैरह होते हैं बहुत सारे, प्रिवेसी पॉलिसीज वगैरह होती हैं, अगर आप उनके अगेंस्ट कुछ करते हो तो वो आपको डेफिनेटली निकालेंगे और वहाँ उनका हक बनता है। प्लस कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके ऑफ़र के टाइम में, जब आपको ऑफ़र लेटर मिला होगा तो उसमें लिखा होता है ये सारे कंडीशन होने चाहिए। लाइक अगर मैं कॉग्निजेंट की बात करूँ तो उसमें RDP के लिए मैंने एक वीडियो डाला हुआ था, तो मैं इधर उधर कहीं पे डाल दूँगी तो वो देख लेना।
तो उसमें लिखा हुआ है बहुत क्लियरली कि अगर आप 11 मंथ के अंदर में RDP कंप्लीट नहीं करते हो, मतलब सारे असाइनमेंट्स वगैरह जो भी हैं, तो आपको मतलब आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। डायरेक्ट नहीं लिखा गया ऐसा कि आपको निकाल दिया जाएगा, बट दैट इज़ ऑल्सो अ कंसिक्वेंस। ठीक है, कुछ भी एक्शन लिया जा सकता है जिसमें ये भी हो सकता है कि आपको सीधा कंपनी से निकाल दिया जाए। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। तो अगर वैसा कुछ लिखा हुआ है तो हो सकता है, और 11 मंथ कब था क्या था वो आप उसमें देख लेना। तो इस तरह की कोई चीज़ है, जैसे 11 मंथ का मैंने बोला आपने नहीं किया कंप्लीट, तो यहाँ पे फिर से उनका पूरा हक बनता है आपको निकाल देने का, राइट? तो वैसा कुछ सीन है तो निकालेंगे, या फिर आपने कुछ वैसी गलती करी है तो निकालेंगे। लेकिन अभी जो आपका सिचुएशन है वो क्या है? आपका सिचुएशन इज़ कि आपको उन्होंने अगस्त में आपको DOJ मिला, डेट ऑफ ज्वाइनिंग मिली, आपने ज्वाइन कर लिया, लेट से 15th ऑफ अगस्त, मैं कुछ भी बोल दे रही हूँ, तो किसी भी डेट पे आपने ज्वाइन कर लिया। अभी 2 महीने हो गए, आपको किसी प्रोजेक्ट से मैप नहीं किया गया है, तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? तो रीज़न एकदम सिंपल है, बिजनेस डिमांड नहीं है। सबको पता है अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना चल रहा है मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी चीज़ें मतलब डमाडोल हो चुकी है। ठीक है, बहुत कुछ। अब देखो क्या हुआ है ना कि अब सिचुएशन थोड़ा सा टचवुड नॉर्मल हुआ है, तो नॉर्मल होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें ट्रैक पे आई हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं आई हैं ट्रैक पे, राइट? बहुत सारी कंपनीज़ ने अपने बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स वगैरह लूज़ किए हैं। तो क्या हुआ है, उन्होंने जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह तो उन्होंने हायर कर लिए, लेकिन उतने सारे क्लाइंट्स अभी उनके पास नहीं है, उतने सारे प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, तो बेकार में कहाँ डालेंगे? अब बोलोगे फिर उन्होंने हायर क्यों किया? तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये परमानेंट सिचुएशन है, कल को सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा, कल को उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे, वापस से क्लाइंट्स आएंगे, तो घर घर ढूंढने तो नहीं जाएंगे कि भाई तुम काम कर दो, तुम काम कर दो, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसीलिए वो लोग रेडी रखे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ है। तो जब भी ऐसी कोई डिमांड आएगी, जब भी ऐसा कोई क्लाइंट आएगा, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट आएगा जिसमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी, लाइक आपके जो भी स्किल्स हैं, आपका जो भी प्रोफाइल है, आपकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो लोग डेफिनेटली आपको वहाँ पे मैप करेंगे। लेकिन जब तक वैसा नहीं हुआ है तब तक नहीं कर रहे हैं, राइट? जब तक वैसा नहीं हुआ है तब तक वो कैसे करेंगे? उसके बाद बहुत सारी चीज़ें क्लाइंट पे भी डिपेंड करती है, लाइक बहुत सारे क्लाइंट बोलते हैं जो मैं फ्रेशर्स के साथ काम नहीं करना चाहता हूँ, मेरे को एक्सपीरियंस्ड बंदा चाहिए, बहुत सारी इंटरनल चीज़ें होती है, उसमें नहीं जाना है। ठीक है, तो घूम फिर के बात वही आ रही है कि बिज़नेस डिमांड इज़ द ओनली रीज़न। तो बिज़नेस डिमांड नहीं है, अभी सिचुएशन वैसा नहीं है कि आपको किसी प्रोजेक्ट के साथ मैप किया जाए, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आपको किसी प्रोजेक्ट के साथ मैप नहीं किया गया है। अब करना क्या है इस टाइम में, ये दिमाग में आ रहा होगा ना कि मतलब पैनिक हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, 2 महीने हो गए ज्वाइनिंग के, अभी तक मेरे को नहीं मैप किया गया। तो भाई साहब ये गोल्डन पीरियड है, यकीन मानो, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा प्रोफाइल कौन सा है, तुम्हें पता है तुम्हें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो तुम्हारे सीनियर्स होंगे जो भी, तो उनसे बात कर सकते हो, तुम उनसे पूछो कि मेरा जो भी जॉब प्रोफाइल है इस चीज़ के लिए मेरे को कौन कौन से स्किल्स आने चाहिए, तो वो तुम्हें बताएंगे कि लेट्स से तुम्हें XYZ आना चाहिए, तो तुम पहले X सीखो, फिर Y सीखो, फिर Z सीखो, जो भी वो लोग बोलते, तो इस टाइम को तुम सीखने में यूटिलाइज़ कर सकते हो, बिकॉज तुम फ्री हो, राइट? तुम एकदम से फ्री हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम सीधा लॉग इन कर रहे हो, लॉग आउट कर रहे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो। तो ये बीच का जो पीरियड है, इसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है टाइम को इन्वेस्ट करना। और अगर इस वीडियो से तुम कुछ एक चीज़ ले जाना चाहते हो, तो मैं वही बोलूँगी कि नेवर 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 वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट योर टाइम। तो उस टाइम को तुम इन्वेस्ट करो, तुम कुछ स्किल सीखोगे, तो ये चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। मे बी आज के आज ना दे, कल ना दे, आज से 5 साल बाद दे दे, लेकिन फ़ायदा ज़रूर देगी। मे बी इसी ऑर्गेनाइजेशन में दे, या फिर आगे अगर तुम स्विच करते हो तो उसमें जाके दे, जहाँ भी दे, लेकिन वहाँ वो तुम्हें फ़ायदा ही देगी, उसका कोई नुकसान नहीं होगा, स्किल्स का नुकसान नहीं होता। अगर मुझे पाइथन आता है तो पाइथन मुझे फ़ायदा दे सकता है या फिर फ़ायदा नहीं दे सकता है, राइट? लेकिन नुकसान कभी नहीं देगा। ये हो सकता है कि इससे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ पाइथन सीख के, या फिर ये हो सकता है कि मुझे पाइथन सीख के फ़ायदा हुआ, लेकिन नुकसान का कुछ नहीं है। तो यहाँ तो ज़ीरो रिस्क वाली बात हो गई। तो तुम आराम से सीखो, और अभी तो तुम्हें प्रोफाइल भी पता चल गया, तो यहाँ पे मतलब नहीं फ़ायदा देने का भी नहीं है, आज ना कल ये फ़ायदा देना ही देना है, राइट? तो तुम आराम से सीखो। इन केस तुम्हें वो सीखने का मन नहीं कर रहा है, हो सकता है नहीं मन कर रहा है, तो तुम्हें अगर कुछ और सीखने का मन है तो तुम कुछ और सीख सकते हो। इस टाइम को तुम जैसे यूटिलाइज़ करना चाहो कर सकते हो। हो सकता है तुम में से बहुत सारे होंगे जो हायर स्टडीज़ के लिए सोच रहे होंगे, कैट, गेट और GRE, जिस चीज़ का भी प्रिपरेशन करो, तुम्हारे पास एनफ टाइम है, राइट? तुम इस चीज़ को यूटिलाइज़ करो, तुम वो लिखना शुरू करो, वो प्रैक्टिस करो, उसके लिए पढ़ो, तो तुम इस तरीके से उसको यूटिलाइज़ करो।
क्योंकि क्या पता कल को ही तुम्हें किसी प्रोजेक्ट से माफ कर दिया जाए। तो इट्स बेटर, अगर नहीं करा जा रहा है तो ठीक है ना, आराम से तुम अपने स्किल्स बढ़ाओ, तब तक तुम्हें पैसे मिल रहे, सब हो रहा है। और बिकॉज तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो इसीलिए तुम्हें निकाला भी नहीं जा रहा है, तो तुम उस चीज़ की भी चिंता नहीं कर सकते हो, आराम से बिंदास होके अपना काम करो। दैट्स इट, बस इतनी सी बात है, समझ में आ गया। कुछ और डाउट हो तो वो भी बता सकते हो, वीडियो पसंद आए ना पसंद आए जो भी आए जल्दी जल्दी बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट, लव यू ऑल, दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय बाय।